बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा, स्पेशली शब-ए-रात के लिए। तो चलिए देखते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। 1 किलो चने की दाल ले ली है हमने और इसे अच्छे से वॉश करके 4-5 घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था सोख होने के लिए। देखिए ये इतनी भीग चुकी है कि दबाने से टूट रही है। अब इसे हम गलने के लिए रख देंगे, कुकर में डाल देंगे इसे। दाल डाल दी हमने कुकर में सारी और इसमें डाल देंगे दूध। इसमें तकरीबन 2 कप या 1.5 कप दूध जाएगा। 1 कप दूध इसमें और डाल देंगे हम। हमने 1 kg दाल में 750 ml दूध यूज़ करा है। बस इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है वरना उसे हमें ड्राई करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसे पानी में बॉईल कर सकते हैं। बस अब इसे हम गलने रख देंगे मिक्स करके अच्छे से। 2 विसल देने के बाद हमने लेड हटाई है। देखिए ये बिल्कुल हल्की सी खड़ी खड़ी दाल तैयार है, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है कि बिल्कुल मैश हुई हुई। देखिए इस तरह से दबाने पे ही टूट रही है और इसमें जो थोड़ा बहुत दूध है उसे हम ड्राई कर लेंगे। दाल में जो थोड़ा बहुत दूध था उसे भी हमने ड्राई कर लिया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई, देखिए आप बिल्कुल ऐसी ड्राई सी दाल है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे फाइनली। हलवा बनाने के लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया 100 ग्राम देसी घी। इसे गरम करके इसमें हमने डाल दी है हरी इलायची 4-5 मुँह खोल के और 3-4 लौंग। दाल को हमने इस तरह से फाइनली ग्राइंड कर लिया अच्छे से। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब इसे हम घी में मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दाल को ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। बड़ी कढ़ाई में आज हम बना रहे हैं क्योंकि इसमें भी हम चाशनी भी डालेंगे तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए और घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे अच्छे से घी में मिक्स करके फ्लेम हमने इसकी ऑन कर दी है। अब इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा क्योंकि इसका पहले ही लिक्विड बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो बहुत ईजीली और बहुत जल्दी भुन जाएगी। अब इसे हम भूनेंगे कलर आने तक। चीनी लिए हमने, 1 किलो चने की दाल थी और 1 किलो ही हमने चीनी ले लिए। देखिए ये चीनी हमने कर ली है पैन में और इसमें हम डाल देंगे पानी। ये 3 मग हमने पानी लिया है। 1 किलो चीनी ली है हमने। आप चाहें तो चीनी कम भी डाल सकते हैं या आपकी चॉइस। देखिए हलवे को हमने कलर आने तक भूनना है जब तक इसका कलर ना आ जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और घी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया है। शुरू में हमने घी 100 ग्राम डाला था, तब इसमें इलायची और लौंग वगैरह इसमें फ्राई की थी। फिर इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके टोटल 1/2 kg घी यूज़ किया है जो कि इनफ है। बस इसे अब थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर इसमें चाशनी शामिल करेंगे। देखिए चाशनी भी तैयार हो रही है हमारी और इसकी चीनी अच्छे से घुल चुकी है और बस इसे हमें 2-3 मिनट और पकाना है कि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। बस 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर। देखिए थाली ले ली हमने और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसमें डाल देंगे, देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे अपनी चॉइस के कोई भी ले ले। हमने थोड़े से पिस्ता, काजू और बादाम लिए हैं, नारियल लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नारियल। चाशनी भी हमारी तैयार है, बस इसे अब हम दाल में शामिल करेंगे। देखिए दाल अच्छे से भुन के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम चाशनी शामिल करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे इसमें चाशनी। थोड़ा आराम से डालिएगा क्योंकि चाशनी भी बहुत गर्म है और ये भुना हुआ दाल का मिक्सचर भी बहुत गर्म है। बस इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे भून लेंगे। देखिए अच्छे से खूब इसे भून रहे हैं कि ये थोड़ी सी इसका जो लिक्विड इसमें हमने डाला है वो ड्राई हो जाए। ड्राई फ्रूट्स इसमें हम शामिल करेंगे, थोड़े से गार्निशिंग में यूज़ करेंगे हम। बस अच्छे से भुन चुका है, देखिए हलवा तैयार है भुन के अच्छे से। अगर आप ज़्यादा इसे टाइट रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और भून लें, मगर हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। अब ये ग्रीस की हुई ट्रे पे हम निकाल लेंगे। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसमें नीचे स्प्रिंकल कर दिए थे नारियल के साथ। देखिए स्पैचुला पे भी हमने घी लगा लिया और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए शेप दे देंगे सही सा, और थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रिंकल कर देंगे, उन्हें भी इसी तरह से प्रेस। अगर आप चाहें तो चांदी के वर्क भी इस पे लगा दें, इससे और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और चाहें तो स्किप कर दें, हमें बहुत पसंद है चांदी के वर्क तो हमने वो भी इस पे लगा दिया है। अब थोड़ी देर बाद देखिए इसे इस तरह से कट लगा देंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब अपने मनपसंद शेप में आप इसे काट।
हलवे को हमने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब दोबारा इसे हम इस तरह से कट कर रहे हैं, अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसके हम इस तरह से कतली निकाल लेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है, देखें बहुत नरम भी है और मज़ेदार भी है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और शब बारात पे हमारी रेसिपी से हलवा बनाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।